हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लास। माई सेल्फ प्रेम प्रकाश शुक्ला, योर मैथमेटिक्स टीचर फ्रॉम लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोला बाजार गोरखपुर। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द टॉपिक फाइंड द डिफरेंस। दिस टॉपिक इज फ्रॉम चैप्टर 11, टाइम एंड temperature, and the exercise is exercise 11.6. So what we are going to learn? Find the difference. We are going to learn subtract the bigger units of time. How we do subtraction of bigger units of time, today we will learn subtraction and difference. Contains same, that means we have to do subtraction. So first of all, let's solve question number one. Question number one is, you see, 8 years 6 months minus 2 years 4 months. So dear students, आज हम जो टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे वो टॉपिक है फाइंड द डिफरेंस। दूसरे तरीके से हम ये समझ सकते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ बिगर यूनिट्स ऑफ टाइम। बिगर यूनिट्स ऑफ टाइम को के यूनिट्स को कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, इसके बारे में आज हम जानेंगे। और ये जो हमारा टॉपिक है ये चैप्टर 11 से लिया गया है, टाइम एंड टेम्परेचर से। और इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो है हमारा एक्सरसाइज 11.6। तो 11.6 एक्सरसाइज में फाइंड द डिफरेंस यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है हमको। तो पहला क्वेश्चन है 8 years 6 months माइनस 2 years 4 months। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इयर्स के कॉलम में इयर्स के वैल्यूज को लिख लेना होगा और मंथ्स के कॉलम में मंथ्स के वैल्यूज को हमको लिख लेना होगा। और जो हमें याद रखने की चीज है वो हमको ये याद रखना है कि 1 year equals to 12 months, ये हमको इसमें याद रखना है। और फर्स्ट ऑफ ऑल जब तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इयर्स और मंथ्स लिख लेंगे और वर्टिकली उनके वैल्यूज को लिख लेंगे। तो यहां देखिए 8 years 6 months है, तो पहले 8 years 6 months, उसके बाद माइनस 2 years 4 months। एंड आवर फर्स्ट स्टेप इज सब्ट्रैक्ट मंथ्स। सबसे पहले हम मंथ्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि 6 माइनस 4, 6 से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा आंसर आएगा 2 months। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है इयर्स को सब्ट्रैक्ट करने का, सब्ट्रैक्ट इयर्स। तो 8 माइनस 2 इक्वल्स टू 6। सो इन दिस वे आवर रिक्वायर्ड आंसर इज 6 years 2 months। इस तरीके से जो है हम आसानी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू इज 11 years 3 months माइनस 5 years 8 months। 5 years 8 months को 11 years 3 months से सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है वो सेम है जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में फॉलो किया था। और हमको जो याद रखना है वो ये है 1 year equals to 12 months। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इयर्स के कॉलम में इयर्स के वैल्यूज को लिख लेंगे और मंथ्स के कॉलम में मंथ्स के वैल्यूज को लिख लेंगे। यहाँ पे पहला हमारा है 11 years 3 months
माइनस 5 years 8 months. अब हमारा जो पहला स्टेप है सब्ट्रैक्ट मंथ, पहले हमको मंथ्स को सब्ट्रैक्ट करना है. तो 3 months minus 8 months. अब यहां आप देख सकते हैं 3 8 months से स्मॉलर वैल्यू है, तो स्मॉलर वैल्यू से बिगर वैल्यू सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है. तो उस कंडीशन में हमको क्या करना होगा, 11 इयर्स को रीग्रुप करना होगा, या 11 इयर्स से हमको 1 ईयर बोरो करना होगा और उसको मंथ्स में हमको ट्रांसफर करना होगा. तो यहाँ पे हम 1 ईयर जब बोरो करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 इयर्स, और यहाँ पे जब हम 1 month यहाँ पे 1 year को यहाँ जब हम ट्रांसफर करेंगे मंथ्स में तो ये हो जाएगा हमारा 12 months plus 3 months, तो टोटल हो जाएगा हमारा 15 months. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट मंथ्स. पहले मंथ्स को सब्ट्रैक्ट करना है, एंड यहां आप देख सकते हैं 3 months से 8 months सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है. तो उस कंडीशन में हमको 11 years को हमको रीग्रुप करना होगा. तो 11 इयर्स को जब हम रीग्रुप करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 10 years 12 months. ठीक है, जब 11 इयर्स को हम इयर्स और मंथ्स में रीग्रुप करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 10 years 12 months. अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको 10 इयर्स लिख लेना है और यहाँ पे 12 प्लस 3 मंथ्स कर लेना है और ये हो जाएगा हमारा 15 months. अब 15 months bigger value है, 8 months smaller value है, तो 15 से 8 को subtract करेंगे तो answer होगा 7 months, और 10 से 5 को subtract करेंगे तो answer होगा 5 months. तो इस तरीके से answer is 5 years 7 months. ये हमारा required आंसर होगा. ओके, तो इस तरीके से जो है हम मंथ्स का वैल्यू अगर स्मॉलर है और बिगर वैल्यू सब्ट्रैक्ट करना है तो उस कंडीशन में हमको इयर्स के वैल्यू को रीग्रुप करना होगा और रीग्रुप करके उसको मंथ्स में ऐड करना होगा. तो यहाँ पे जब हमने 11 इयर्स को रीग्रुप किया है तो वो आ रहा है हमारा 10 इयर्स 12 मंथ्स. तो 10 इयर्स यहाँ हो गया और 12 प्लस ये 3 मंथ्स, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 15 मंथ्स. अब 15 मंथ्स से 8 मंथ्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे हो जाएगा 7, और 10 इयर्स से 5 इयर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 इयर्स, और हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा 5 इयर्स 7 मंथ्स. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज 3 years 2 months minus 2 years 7 months. 2 इयर्स 7 मंथ्स को 3 इयर्स 2 मंथ्स से सब्ट्रैक्ट करना है. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इयर्स के कॉलम में इयर्स के वैल्यूज को लिख लेंगे और मंथ्स के कॉलम में मंथ्स के वैल्यूज को लिख लेंगे. यहाँ पे हमारा पहला है 2 3 years 2 months minus 2 years 7 months. अब फर्स्ट स्टेप इज सब्ट्रैक्ट मंथ्स, मंथ्स के वैल्यूज को पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे. अब यहाँ 2 months से 7 months को सब्ट्रैक्ट करना है जो कि इम्पॉसिबल है, ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है. तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है, 3 years को रीग्रुप करना है. तो 3 years को जब हम रीग्रुप करेंगे ईयर्स और मंथ में तो ये हो जाएगा हमारा 2 years 12 months हो जाएगा. तो अब ये 12 मंथ्स में हम ये 2 months इसको भी ऐड कर लेंगे तो ये हमारा यहाँ पे टोटल हो जाएगा 14 months. तो इस तरीके से 3 years को ईयर्स और मंथ्स में अगर कन्वर्ट करेंगे तो
ये हो जाएगा हमारा 2 years 12 तो इस तरीके से ये हमारा रिक्रूट हो जाएगा। तो अब इसमें हमको ये याद रखना है कि 1 year equals 12 months, तो यहाँ पे जब हम 1 year यहाँ से बोरो करके यहाँ देंगे तो वो 1 year यहाँ पे 1 ना होके 12 months हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने मंथ्स लिखा है। तो 1 year equals 12 months हो जाएगा और 12 plus 2 करने पे ये वैल्यू हमारा 14 months हो जाएगा। अब 14 months बिगर वैल्यू है और 7 months उससे स्मॉलर वैल्यू है, तो ये आसानी से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो अब 12 से 14 से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 7 और 2 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 0। तो इस तरीके से हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा 0 years 7 months, यानी कि हम यहाँ आंसर लिख सकते हैं 7 months। 7 months हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ईयर्स में कोई वैल्यू नहीं है, जीरो है, तो उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसीलिए हमारा रिक्वायर्ड आंसर है वो 7 months है। तो यहाँ पे बस हमको ये याद रखना है कि अगर हम मंथ्स के वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो बस हमको ये देखना है कि स्मॉलर से बिगर वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रहा है या बिगर से स्मॉलर वैल्यू। अगर बिगर से स्मॉलर वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो हमको वहां पे रिक्रूट करने की कोई आवश्यकता नहीं है ईयर्स को, हम उसको सब्ट्रैक्ट करके आंसर लिख लेंगे। पहले मंथ्स को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे फिर ईयर्स को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अगर स्मॉलर वैल्यू से बिगर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है तो उसी कंडीशन में हमको क्या करना है, ईयर्स को रीग्रुप करना है। तो ईयर्स को जब हम रीग्रुप करेंगे तो ये 2 years हो जाएगा, 12 months हो जाएगा। तो 2 years 12 months, अब ये 12 में इस 2 को ऐड कर लेंगे, 2 months को, 12 months plus 2 months, तो ये हो जाएगा 14 months। तो 14 से 7 माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 7 और 2 से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 और हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा 7 months। तो इस तरीके से जो है हम आसानी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बिगर यूनिट्स ऑफ टाइम। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व आवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज 16 years 9 months माइनस 9 years 10 months। 9 years 10 months को 16 years 9 months से हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा जो स्टेप है वो है ईयर्स के कॉलम में ईयर्स के वैल्यूज को लिख लेंगे और मंथ्स के कॉलम में मंथ्स के वैल्यूज को लिख लेंगे। और एक चीज जो याद रखेंगे वो ये है 1 year equals to 12 months। अब यहाँ पे आप सबसे पहला हमारा काम ये है, यहाँ देखिए हमारा है 16 years 9 months माइनस 9 years 10 months। तो पहला स्टेप हमारा ये है सब्ट्रैक्ट मंथ्स, मंथ्स को पहले हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, मंथ्स को पहले, मंथ्स के वैल्यू को। अब यहाँ पे देखिए स्मॉलर वैल्यू से बिगर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है तो ये नहीं हो सकता है, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है, ईयर्स को हमको रीग्रुप करके उसको मंथ्स में ऐड करना है। तो जब हम यहाँ पे ईयर्स को रिग्रुप करेंगे 16 ईयर्स को तो ये हमारा हो जाएगा 15 ईयर्स और हो जाएगा हमारा 12 months। 15 ईयर्स 12 मंथ्स हो जाएगा। अब इस 12 मंथ्स में हम 9 मंथ्स को भी ऐड कर लेंगे तो ये हमारा टोटल यहाँ हो जाएगा हमारा मंथ्स 21। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे जो टोटल मंथ्स आ रहा है वो 21 है। तो यही हमको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि अगर स्मॉलर वैल्यू से बिगर वैल्यू को हमको सब्ट्रैक्ट करना है तो उस कंडीशन में वो सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है, ईयर्स को रिग्रुप कर लेना है। तो यहाँ पे 16 ईयर्स को हम रिग्रुप जब करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू होगा वो होगा 15 years 12 months, यानी कि 1 year हम यहाँ पे बोरो करके मंथ्स में ट्रांसफर करेंगे। तो 1 year जब हम ट्रांसफर करेंगे तो ये 1 year हमारे मंथ्स में 12 months हो जाएगा, क्योंकि 1 year equals 12 months है तो ये 12 months हो जाएगा। और ये 9 जो है इसमें ऐड हो जाएगा, 12 plus 9 हमारा हो जाएगा 21। अब 21 मंथ्स
से हम आसानी से 10 मंथ्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हम इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा इसमें 11 मंथ्स, और 15 से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 इयर्स। तो इस तरीके से 21 से 10 को माइनस करेंगे तो 11 मंथ्स आंसर आएगा, और उसी तरीके से 15 इयर्स से 9 को माइनस करेंगे 9 इयर्स को तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आएगा 6 इयर्स। तो इस तरीके से हमारा जो फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर इज 6 इयर्स 11 मंथ। इस तरीके से हम सब्ट्रैक्ट बिगर यूनिट्स ऑफ टाइम का सब्ट्रैक्शन प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए हमको बस याद रखने की बस एक ही यहाँ पे चीज है, 1 year = 12 मंथ्स, और अगर मंथ्स में स्मॉलर वैल्यू से बिगर वैल्यू को अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो उस कंडीशन में हमको इयर्स को रीग्रुप कर लेना होगा। बस ये दो चीजें हमको यहाँ पे याद रखना है, बाकी सब्ट्रैक्ट करने का प्रोसेस वही है, उसमें कोई नई बात नहीं है। सो माई डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल द प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ बिगर यूनिट्स ऑफ टाइम इज क्लियर टू यू ऑल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग and listening the video carefully. Thank you very much. Have a nice day.